हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें राउंड फॉर्मूला यूज करना है और ये नॉर्मल तरीके का राउंड नहीं है। हम इसको माइनस में राउंड करवाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बड़े पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 78, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 72 और यहाँ पर लिखा हुआ है 75, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सारी डिजिट्स लिखी हुई हैं। अब नियरेस्ट 10 तक कौन जा रहा है, देखिए 75 या 75 से ऊपर होगा तो वो नियरेस्ट 10 वाले में जाएगा, यानी कि 78 है तो 80 बन जाएगा, 75 है तो भी 80 बन जाएगा और 72 है तो 70 बन जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, माइनस में राउंड करवाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने आर ओ यू एन डी राउंड लिखा, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया, आर ओ यू एन डी होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, 78 को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ -1। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, नियरेस्ट 10 तक ये ले जाएगा। नियरेस्ट 10 इसका क्या है, मतलब कि पूरा 10 कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे 80 दिखाई पड़ेगा आपको। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 80 ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसी चीज को आप फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं, मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पर 72 को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर अगर मैं -1 लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं -1 लिखूंगा तो यहाँ पर ये पीछे लेके जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ राउंड करेगा इसको, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट तो है नहीं, नियरेस्ट में तो इसके 70 ही है ना, 80 तो है नहीं, तो यहाँ पर ये 70 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 75 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए 75 लिखा हुआ है ना, तो 75 के नियरेस्ट तो दोनों दिख रहा है आपको, 5-5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसको -1 तक राउंड करवाता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखेंगे आप, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही है।